हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। और मैं भी अभी फ़िलहाल ठीक हूँ। और ये ब्लॉग जो है मॉर्निंग के टाइम से ही है, एकदम मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, 6 या 6:10 हो रहा था। और ये मैं, पता है किस दिन का ब्लॉग है? जब मैं नमक पारे और ठेकुआ बनाई थी उसके दूसरे दिन मॉर्निंग का ब्लॉग है। मतलब यानी कि पिछला बार जो मंगलवार आया था, इससे पहले वाला, एक तो मंगलवार आज है और एक पिछला वाला, तो उस दिन का ब्लॉग है। तो आज फिर से मैं आप लोगों से सॉरी बोल रही हूँ कि इतना ब्लॉग लेट जा रहा है। और मैंने इस ब्लॉग में चने के दाल के पराठे की रेसिपी शेयर करने के लिए मैं वीडियो बनाई थी, मगर अपलोड नहीं हो पाया था। जैसे कि मैं बताई ही हूँ कि दांत के दर्द के कारण वीडियो पेंडिंग पड़ गया था। तो उसके लिए बस ये लास्ट है, एडजस्ट कीजिएगा, अब इसके बाद कोई पहले का ब्लॉग नहीं है। तो उसके लिए मैं फिर से सॉरी बोल रही हूँ। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी देखिए, चने का जो दाल है ना, मैं उसको अच्छे से साफ पानी से 3-4 बार धो ली हूँ। और कढ़ाई में सबसे पहले मैं सरसों का तेल डाली हूँ, थोड़ा सा जीरा है और लाल मिर्च तो सूखा हुआ, और हल्दी का पाउडर, हल्दी का पाउडर होता है वो थोड़ा सा डाली हूँ। और उसके बाद जो चने का दाल होता है वो धोया हुआ है, उबाला हुआ नहीं है, उबला हुआ चना का दाल नहीं है, और इसको डाल दूँगी। और इसको डालने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें जीरे का पाउडर 1 चम्मच, छोटा चम्मच जो मसालेदानी में चम्मच आता है उससे, और मिर्ची का पाउडर। मिर्ची का पाउडर मैं तेल में इसलिए नहीं डाली थी कि फिर वो झसका लगता बहुत तेज से, और घर में बच्चे हैं, मुझे खुद ही लगता है किचन में। और इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और मैं इसी तरीके से चने के दाल का जो पराठा का स्टफिंग होता है या कचौड़ी का, इसी तरीके से मैं तैयार करती हूँ। आप कैसे बनाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अभी यहाँ पर पानी डाल दूँगी और ढक दूँगी। और अभी देखिए, दाल का जो पानी है काफ़ी ज़्यादा सूख गया है, और दाल जो है एकदम अच्छे से पक भी गया है, मगर इसका जो पानी है ना, और सुखाएंगे थोड़ा सा। तो मैं गैस का जो फ्लेम है वो तेज़ करके और ऐसे ही खुला छोड़ दूंगी सूखने के लिए। और बीच में थोड़ा सा ढकी थी लास्ट में, मतलब अभी जो दिखा ना वो ढकी थी लास्ट में ही। और इधर साइड में आटा भी लगा दी हूँ, आटा बस नॉर्मल जैसे पराठे के लिए आटा लगाते हैं ना, वैसे ही लगाना है। और अभी देखिए, दाल जो है हमारा एकदम तैयार हो गया है। और इसको हमें पीसना है मिक्सी में मतलब मैं नहीं पीसती हूँ, क्योंकि मिक्सी में पीसने से ना ये ज़्यादा बारीक हो जाता है। तो मैं सिलबट्टे पे पीसती हूँ, नहीं तो गिलास से इसी तरीके से मैश कर देती हूँ। तो सिलबट्टे पे पीसने में ज़्यादा टाइम लगता है, और ये गिलास से जो ऐसे करें ना जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैं गिलास से ही कर दी थी। क्योंकि सुबह के टाइम ना बच्चों को टिफ़िन देना रहता है, हस्बैंड को देना रहता है, और भाई बहन सबको देना पड़ता है, तो मुझे जितना जल्दी जल्दी मैं कर पाऊँ उतना जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। और गिलास से भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। ये देखिए, एकदम अच्छे से ये मैश हो चुका है, मतलब इसका चूर चूर हो गया है। और अभी सारा तैयारी शुरू हो गया, और मैं यहाँ गर्मा गर्म चने के दाल के पराठे सेक रही हूँ। और प्लीज़ मेरा आप लोगों से विनती है, प्लीज़ प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं ना, अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जितना ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और मैं कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाने की, रूटीन ब्लॉग ही, मतलब अच्छा ब्लॉग बनाऊँगी कि आप लोग इंजॉय कर पाए। और ये देखिए कितने सारे पराठे बन गए हैं बात करते करते। और अभी जो है घर में सब लोग चले गए हैं अपना, मतलब जो भी जिनका काम काज है अपने काम काज पे गए, और बच्चे स्कूल गए, और मैं भी अपना लग गई हूँ। जो नमक पारे और ठेकुआ बनाई थी उसको रखने के लिए डब्बा चाहिए था, तो डब्बा एक तो साफ था, तो वो भी रखे रखे ना कभी हो जाता उसमें स्मेल जैसा आने लगता है, गंदा लगता है। ज़्यादा गंदा तो नहीं था, फिर भी मेरा मन नहीं भर रहा था, तो मैं उसको भी गर्म पानी से और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल करके, और एक डब्बा तेल का फिलहाल खाली हुआ था सरसों के तेल का, तो वो भी मैं दोनों सब सारे डब्बे में, और रिफाइन का जो छोटा वाला डब्बा है ना उसमें थोड़ा सा रिफाइन था, तो वो भी देखिए कितना गंदा, रिफाइन का डब्बा भी ना जो जला जला रिफाइन रहता है उसका भी डब्बा काफ़ी गंदा हो जाता, तो मैं इसी तरीके से बीच बीच में धोते रहती हूँ। और अभी पता है फिलहाल मेरा किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा है बार बार धूल मिट्टी की वजह से, तो मैं सोच रही हूँ फिर से उसको साफ़ करूँगी। तो फटाफट यहाँ पे मैं डब्बा साफ़ कर ले रही हूँ, और उसके बाद डब्बा साफ़ करने के बाद घर का काम ख़त्म करके और नहा लूँगी। अधिकतर घर का काम जो है अधिकतर सारा ही ख़त्म हो गया था, और आज मुझे बर्तन भी कम धोने थे, क्योंकि मैं चने के दाल के पराठे बनाई थी, सब्जी उब्जी बना नहीं था, तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं गंदा हुआ था, तो किचन का जो बर्तन था वो मैं धुल ली थी, और झाड़ू भी लग गया था, और बस पोछा लगा करके और नहा लूँगी कपड़े वगैरह धुल करके। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सारा काम खत्म हुआ है, हो गया है, खत्म हो गया है। और ये देखिए मेरा मॉर्निंग का चाय बन रहा है इधर, एक कप का आधे गिलास बना रही हूँ मैं, बस हल्का सा पानी डाली हूँ, दूध में ही पत्ती लगा करके चाय बना रही हूँ, तो चाय और पराठा खाऊंगी। सारा काम तो खत्म हो गया है घर का, और अभी चाय पराठा खाने के बाद फिर
रखी थी, जब मेरा 12 बजे सेल भी शुरू होता है तो वो करने के बाद बच्चों को लेने जाऊंगी 1 बजे, और फिर देखते हैं कब तक ये ब्लॉग चलता है। अभी तो कंटिन्यू रखूंगी, देखते हैं कब तक क्या क्या अभी होता है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ज्यादा बिजी हैं, तो वीडियो को चला करके साइड में छोड़ दीजिए, पूरा वॉच किया कीजिए प्लीज। उससे ना थोड़ा सा आप लोग वीडियो देख करके छोड़ देते हैं तो उससे काफी ज्यादा मेरे चैनल पे प्रभाव पड़ रहा है, दिक्कत हो रहा है और मेरा मेहनत लग रहा है। तो प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर उससे भी ज्यादा हो सके कि टाइम ना है तो 3 से 4 मिनट, 4 मिनट से कम वीडियो को मत चलाइएगा। तो अभी मैं चाय बना ले रही हूँ। Waiting for you with open arms. How are you coming? और गाइस यहाँ पे बन गया है मेरा गर्मा गर्म चाय। तो अब मैं चाय और पराठे अकेले अकेले इंजॉय करूँगी, क्योंकि और तो कोई घर में नहीं, आप लोगों के साथ इंजॉय करूँगी, अकेले नहीं हूँ। तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी चने दाल का पराठा और गर्म गर्म चाय इंजॉय करें, मुझे तो काफ़ी पसंद है। और मैं बस पराठा और चाय ही खाऊंगी, सॉस वगैरह मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए साथ में बैठ करके। और अभी पता है कई दिनों से जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो घर में एकदम अकेले इतने टाइम तक अजीब ही लगता है, तो उसी टाइम में शुरू ही ब्लॉगिंग शुरू कर लेती हूँ ताकि मुझे अच्छा सा लगता है ब्लॉगिंग करने से। तो अभी चाय वगैरह पी लेती हूँ और सब, मतलब बच्चों को लेने के बाद और खाना वाना खाने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि उस दिन जब मैं नमक पारे बनाई थी ना एक दिन पहले, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे थकावट हो गया था। तो पिछले दिन मुझे उतना ज़्यादा काम करने का मन ही नहीं हुआ, बस जो डेली का रूटीन वाला काम होता है झाड़ू पोछा बर्तन वही करके सो गई थी। और अभी शाम का थोड़ा सा क्लिप है, डब्बे सूख गए थे तो इसको मैं अच्छे से कॉटन के कपड़े से साफ करके और एक डब्बे में नमक पारे और एक डब्बे में ठेकुआ भर दे रही हूँ। और उसके बाद मैं कोई भी ब्लॉग कुछ भी नहीं शेयर की थी, यहीं पे मतलब ख़त्म हो जाएगा। और प्लीज़ अगर आप लोग अभी भी पूरा वीडियो नहीं देखे ना तो फिर से चला करके देख लीजिए। मेहनत करती हूँ, वीडियो बना रही हूँ किसी उम्मीद से कि हो जाएगा, तो प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट कीजिए मेरा। और सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिएगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट प्यार मेरे चैनल को बना करके रखिए मेरे चैनल पे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।